सड़कों के किनारे और झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको देख के हम लोग भारत की गरीबी का अनुमान लगा सकते हैं। 8 साल में 12.3% देश की गरीबी घटी। गरीब की जिंदगी क्या होती है ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं। पिछले 15 सालों में भारत के अंदर 41.5 करोड़ लोग गरीबी की चपेट से बाहर आए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज की सराहना भी बहुत की है। अगर किसी बंदे के पास 2 टाइम का खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत नहीं है तो इसका मतलब वो जो बंदा है वो गरीब है। लेकिन जो गवर्नमेंट है या फिर किसी दूसरे देश की जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो गरीबी को मेजर करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट अगर एक गांव में रहने वाला बंदा 816 रुपए महीने के खर्च कर रहा है और वहीं पे एक शहर में रहने वाला बंदा 1000 रुपए पर मंथ खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो गरीब नहीं है। 1947 जब देश आजाद हुआ तो जो देश के अंदर जो गरीबी की जो मात्रा थी वो थी 80%। लेकिन अब आजादी के 75 साल बाद घट के ये जो गरीबी की जो परसेंटेज रह गई है ये रह गई है सिर्फ 22%, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। अगर गरीबी को हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो गरीब स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी जैसे राज्यों में भी 10 में से हर एक 3रा बंदा जो है अभी भी गरीब है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अमेरिका की तो हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जो अमेरिका है वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर देश है और उस देश के अंदर जो है गरीब जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन जो चीज दूर से दिखाई देती है असलियत में वो ऐसी होती बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में काफी सारे लोग जो है वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं और उन्हें 2 वक्त का खाना जुटाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेरिकन गवर्नमेंट का जो तरीका है गरीबी को मापने का वो कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी घर में 1 सदस्य है तो उस घर की जो आमदनी है वो होनी चाहिए 8000 रुपए। अगर किसी घर में 2 सदस्य है तो 10000 रुपए, 3 है तो 12000 रुपए और 4 सदस्य है तो उस घर में कम से कम भी 14000 रुपए आने चाहिए। लेकिन अगर किसी घर में 4 सदस्य हैं और उस घर में सिर्फ 10000 रुपए ही आते हैं तो इसका मतलब वो जो घर है वो गरीबी रेखा से नीचे है ना कि ऊपर। उस घर को भी जो है गरीबी रेखा से नीचे ही काउंट किया जाएगा। अब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाया है ना कि ये जो है वहां का रियल गरीबी मापने का सिस्टम है। वहां का पूरा जो सिस्टम है वो सिर्फ डॉलर्स के बेस पे चलता है। 12,000, 16,000 डॉलर इस तरीके से जो है उनमें बांटे हुए हैं। 2020 में एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका के अंदर 37 मिलियन लोग जो है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। और अगर इन लोगों में ऐसे लोगों को मिला दिया जाए जिनकी जो आमदनी है या फिर जिनकी जो कमाई है वो उनके खर्च से कम है, जैसा कि मैंने अभी बताया अगर किसी घर में 4 बंदे हैं तो उनका जो आना चाहिए 14000 रुपए लेकिन आ रहे हैं 10000 रुपए, तो वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है। अगर ऐसे कम आमदनी वाले बंदों को इसमें मिला दिया जाए तो इनकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 140 मिलियन लोग। अगर टोटल मैं यहाँ पे बात करूं तो अमेरिका के अंदर 140 मिलियन लोग जो है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि सरकार के पास तो पावर है वो क्यों ना नोट छाप के गरीबों को भी अमीर बना दे। लेकिन ऐसा जो है सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती, हमारे या किसी भी देश की सरकारें जो है ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि नोट छापने के भी कुछ कानून बनाए गए हैं। और इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि अगर सरकार ने नोट छाप के हर किसी बंदे को अमीर बना दिया तो उन बंदों की जो जरूरतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और देश के अंदर जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को सिर्फ एक ब्रेड या फिर एक अंडे के लिए भी लाखों रुपए देने पड़ सकते हैं। सन 2008 में जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट थी उसने भी यही कदम उठाया। उन्होंने इतने ज्यादा नोट छापे कि वहां का जो हर एक बंदा था वो अमीर हो गया और उस नोट छापने की वजह से वहां की जो करेंसी की वैल्यू थी वो इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि वहां पे लोगों को अंडे और ब्रेड और दूध खरीदने के लिए भी दुकान वालों को थैले भर भर के नोट देने पड़े।
और इस चीज से वो लोग आज तक नहीं उभर पाए हैं। अब इन सब चीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जैसा दिखता है वैसा होता तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत के अंदर भी जो गरीबी है वो काफी हद तक कम हुई है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।